हेलो ठीक है। चलिए बच्चों देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आई, क्यों आई और हम इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं ये पूरा पूरा यहाँ पे आपको जी समझाया सर, जाएगा। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करते रहे हैं जनरल फॉर्म में, जो होते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करते थे और आपको याद होगा कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यस आपके सर, लिए कहा कि एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करके बताओ, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके नहीं कर फैक्टर आपको पाऊंगा। नहीं मिलेंगे और इसके फैक्टर पता लगाने के लिए, फैक्टर निकालने की वैलिडिटी है या नहीं है, हम लोग निकालते थे डी, जिसको बोलते डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हम निकाला करते थे। यहाँ पर यदि देखें तो ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू भी वन है और सी की वैल्यू भी वन है, तो बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, जो कि आता था वन माइनस फोर अर्थात माइनस थ्री, और माइनस थ्री क्या है, लेस देन जीरो, तो हम लिखते थे डी लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट्स। बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यस सर, यस सर, नो रियल रूट्स। मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का धर्म कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर टू है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर टू है मतलब दुनिया का कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का है, उसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा। क्योंकि भले इस इक्वेशन का रूट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, बट बिना रूट दिए मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, तो आप बोलोगे हाँ सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन वन यानी कि वन। बोलो हाँ या ना? यस सर। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, बोले तो वन बाई वन इक्वल्स टू वन, मतलब पक्के से अल्फा बीटा कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, तभी तो अल्फा प्रोडक्ट दोनों का सम आ रहा है और दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब जीरोज का सम आ रहा है और ये आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, यस सर, मतलब अल्फा बीटा पक्के होने चाहिए। मतलब हमारे पास रियल रूट्स नहीं है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जिंदा रूट्स इनके नहीं मिल रहे हैं, मगर इनकी मे बी इनके किसी भटकती हुई आत्माओं के टाइप में हमको ये रूट्स मिल जाए, मतलब इमेजिनरी सेंस में या किसी और फॉर्म में हमको ये रूट्स मिल जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जर्मन साइंटिस्ट जो थे, जिनका नाम था आयोटा, वो इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत मगन रहते थे और उन्होंने एक बार इक्वेशन उठाया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आपको क्या फीलिंग दिखाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आपको फीलिंग ये देता है कि वन में ऐसा नंबर जोड़ो कि आंसर जीरो आ जाए। तो ऑब्वियसली वन में जीरो जोड़ने के लिए, वन में जीरो आने के लिए हमको एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना पड़ेगा? माइनस वन, बिकॉज माइनस वन प्लस वन ही तो जीरो होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो बोल रहे हो, इसका मतलब भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बोलोगे, हाँ ना? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना होगा? माइनस वन। मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर क्या हो? माइनस वन आए। हमें एक ऐसा नंबर लेकर के आना है जिसका स्क्वायर हमें क्या मिल जाए? माइनस वन। तो ऐसा रियल वर्ल्ड में कोई नंबर, रियल अपनी दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों बच्चों? ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो? कोई रियल नंबर? कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो? नो, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। तो मतलब एक नंबर्स की नई दुनिया बनाई जाती है, ओके, और बोला गया कि इस नंबर की दुनिया का जो सबसे बेसिक नंबर है वो होगा अंडर रूट माइनस वन। और आप सबको पता है कि रूट के साथ दो साइन आते हैं, प्लस एंड माइनस वन। तो ये नंबर क्या निकल कर के आया? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को बोला गया आयोटा, मतलब प्लस माइनस आयोटा, ओके। तो हमारे दो नंबर निकल करके आते हैं, एक निकल करके आता है प्लस अंडर रूट माइनस वन, जिसे हम बोलते हैं प्लस आयोटा, और एक निकल करके आता है माइनस अंडर रूट माइनस वन, जिसे हम बोलते हैं माइनस आयोटा। तो यहाँ से तलाश होती है हमारे दो नए नंबर्स की, नंबर्स की एक नई दुनिया की, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सॉरी, ये नंबर कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये नंबर है हमारी इमेजिनरी नंबर। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक?
यस सर, हाँ यस सर, तो एक नई दुनिया यहाँ पे नंबरों की डिस्कवर कर ली जाती है, और ये नंबरों की नई दुनिया जो है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई। देखो आप, यदि मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो आप बड़े इजीली कर लोगे सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस माइनस, तो दो रूट आएंगे, एक आएगा प्लस का वन और एक रूट आएगा माइनस का वन, और दोनों रियल है। दोनों क्या है यहाँ पे, रियल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको। बट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो में आपके सामने इक्वल टू माइनस वन, मतलब एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस आयोटा बोल दिया, तो हमारे पास दो रूट निकल करके आते हैं, एक निकलता है प्लस आयोटा और एक निकलता है माइनस आयोटा। एक और इक्वेशन को सॉल्व करवाता हूँ तो मजा आएगा थोड़ा सा। लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 16 मतलब ऐसा नंबर जोड़िए कि आंसर जीरो आ जाए। जाहिर सी बात है माइनस 16 ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या चाहिए, माइनस 16। पॉसिबल नहीं है एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 16। एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 16, ध्यान रखिए बच्चों, एक्स इक्वल टू अंडर रूट, माइनस की जगह माइनस लिखिए, 16 की जगह 16 लिखिए, देन इसके बाद एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट 16, माइनस वन का अंडर रूट, और साथ में प्लस माइनस होगा जो कि मैं भूल गया था, अब मैंने लगा दिया है प्लस माइनस, ये बन गया आयोटा और फोर का रूट बन गया ये, तो आंसर आया है प्लस माइनस 4 आयोटा। तो दो रूट्स निकल करके आ गए हैं बच्चों मेरे, कितना आया, एक बन गया 4 आयोटा और एक बन गया -4 आयोटा। तो ये पहला रूट कहलाएगा अल्फा और दूसरा रूट कहलाएगा बीटा। सर स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है, एक मिनट फिर से मैं ज्वाइन करता हूँ। कहीं भी छूट जाए वहां से पूछना, बता देना कहीं भी दिक्कत हो रही है। अभी स्क्रीन आ गई क्या? अभी सही है भाई? यस सर। ओके सो सेकेंड इक्वेशन अगेन। हाँ बेटा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस 16, एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस 16, एक्स इक्वल टू माइनस 16 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, माइनस वन इंटू 16, माइनस वन प्लस माइनस लगेगा, माइनस वन इंटू 16 प्लस माइनस, माइनस वन का रूट अभी अभी मैंने बताया क्या होता है आयोटा, और इसका 16 का रूट हो जाएगा 4, प्लस माइनस 4 आयोटा, मतलब दो रूट बनेंगे, एक बनेगा अल्फा जिसको मैं लिखूंगा 4 आयोटा और बीटा -4 आयोटा। बच्चों नोट करो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। डन। यस सर, अक्षर डन। यस सर। ओके सो यहां मैंने क्यों रोका आपको, क्योंकि एक नई बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रोका। आइए वेरीफाई करते हैं इस बात को कि जो दो रूट हमने निकाले हैं वो क्या हैं, क्या हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसी और जिसमें हमने आपके रूट्स क्या निकाले हैं, इसके हमने रूट्स निकालने हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। दो रूट निकले हैं हमारे पास प्लस माइनस 4 आयोटा, मतलब अल्फा इक्वल टू प्लस 4 आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। देखते हैं कि क्या ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स को वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 0 है, और सी की वैल्यू प्लस 16 है। आइए देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह कितना है, अल्फा की जगह है प्लस 4i, प्लस बीटा की जगह कितना है माइनस 4i, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 अपॉन 1, मतलब कि 0 होना चाहिए, ये दोनों लड़मरे, आंसर इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब वेरीफाइड, मतलब वाकई में ये इनका रूट था। दूसरी बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4i, बीटा की वैल्यू -4i, दैट इज इक्वल टू सी। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, 16 अपॉन ए का मतलब है 1, 4 4 जा 16,
और एक माइनस साइन ये वाला मैंने बाहर कर दिया, और ब्रैकेट में क्या बचा, आई का स्क्वायर। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि आई क्या होता है, मैंने आपको बताया था आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, ये होता है। बोलो बच्चों बताया कि नहीं बताया? यस सर। दिस इज फंडामेंटल इमेजिनरी क्वांटिटी। ये क्या है? फंडामेंटल इमेजिनरी क्वांटिटी। जैसे कि एटम जो होता है ना, फंडामेंटल पार्टिकल होता है दुनिया की हर चीज का, ऐसे ये सबसे छोटी इमेजिनरी क्वांटिटी है, फंडामेंटल इमेजिनरी क्वांटिटी इज कॉल्ड आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन। बेटा इसका स्क्वायर कर दो तो क्या कर दोगे, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट काट खाएंगे एक दूसरे को, सो आई का स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस वन। तो आइए आई स्क्वायर माइनस वन पुट कर दीजिए, यहाँ पे 16 अपॉन 1 यानी 16 आना चाहिए, तो माइनस का 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, 16 इक्वल टू 16, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक की सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो आ गया बच्चों समझ में? यस सर। हाँ यस yes. तो एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि ये हमारे कैसे रूट्स हैं, ये प्योरली इमेजनरी रूट्स है। तो ये हमारे पास जो इमेजनरी रूट है हमारे पेयर फॉर्म में आ रहे हैं, तो नोट लिखिए बच्चों, नोट लिखो, लिखो इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। ओके, मतलब अगर एक रूट अल्फा जो होगा वो ए आई होगा, तो जो बीटा होगा वो माइनस ए आई होगा। डेफिनेटली इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा। तो अगर आपको एक रूट दे दिया गया है तो दूसरा रूट लेने के लिए आपको केवल माइनस लगाने की देरी है, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है अक्षत? यस सर। हाँ यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं छोटे मोटे एग्जाम में कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है थ्री आयोटा, अल्फा इक्वल टू थ्री आयोटा, बताइए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कितना होगा, या प्रोडक्ट कितना होगा, या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा। कुछ भी बना के बोल देंगे, अरे भैया अल्फा थ्री आयोटा है तो बीटा कितना होगा, माइनस थ्री आयोटा। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात, सम की बात करोगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री आयोटा और प्लस माइनस थ्री आयोटा इक्वल टू कितना, जीरो। अगर आप अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे, सो थ्री आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री आयोटा। ओके, सो थ्री थ्री जा नाइन, माइनस का नाइन और आयोटा का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, नाइन इंटू माइनस वन बोले तो माइनस नाइन इंटू माइनस वन बोले तो प्लस नाइन। बोलो आ गया समझ में बच्चों? यस यस। और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आ गया, तो आपने टेंथ क्लास में पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो लियो एक्स स्क्वायर माइनस कुछ नहीं बचा, जीरो एक्स, अल्फा बीटा कितना बचा है, प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। सो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। मतलब एक ही रूट दिया गया था और तब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं वो ऑलवेज आपको पेयर फॉर्म में मिला करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑलवेज अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर। यस सर। चलिए बहुत अच्छे, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके ठीक है, अब चलते हैं बच्चों। अब लिखिए, लिखो, लिखिए टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना? आइए इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो भैया रियल नंबर को तो आप लोगों ने पहले से ही रिप्रेजेंट कर रखा है बड़े आराम से, रियल नंबर की दुनिया तो आपने पहले ही बसा रखी थी। रियल नंबर के लिए आपने पूरी एक्स एक्सेस प्रोवाइड कर रखी थी, बीच में ओरिजिन दे रखा था और एक्स एक्सेस प्रोवाइड कर रखी थी, ये एक्स डैश था, और कहे थे भैया ये वन यूनिट, ये टू यूनिट, ये थ्री यूनिट और अप टू ये फोर यूनिट, एंडलेस जाता जाता था। और निगेटिव नंबर यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और इधर पे माइनस इन्फिनिटी और इधर पे प्लस इन्फिनिटी। और आप कहते थे रियल नंबर का सेट आर होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बोलो बच्चों ये रियल नंबर था ना? यस सर। ओके, अब आपके इमेजिनरी नंबर आते हैं, तो इमेजिनरी नंबर कहाँ बिठा ले जा सके।
इस पे तो जगह दी नहीं जा सकती है, तो एक नया इनको जगह दे दी गई इमेजिनरी एक्सेस पे, इस एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, और अब जो था ये रियल एक्सेस बन गया, और इसका नाम जो एक्स एक्सेस पहले अकेला हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके हो गया रियल एक्सेस। तो ये जो एक्सेस है ये कहला गया रियल एक्सेस, और यहाँ पर आया आयोटा, और इसके साथ साथ पैदा हुआ इसका जुड़वा भाई माइनस आयोटा, ऊपर आता है टू आयोटा और इसका जुड़वा भाई माइनस टू आयोटा, इधर आएगा थ्री आयोटा और इधर आएगा इसका जुड़वा भाई माइनस का थ्री आयोटा। इस तरीके से कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी उसका इमेजिनरी नंबर आएगा। ओके, तो इन जनरल मैं यहाँ पर किसी नंबर को मानता हूँ एक्स और यहाँ पर किसी नंबर को मानता हूँ आयोटा वाई, और तो यदि यहाँ पे एक्स बनेगा तो इधर बनेगा माइनस एक्स, और यहाँ पे आयोटा वाई बनेगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस का आयोटा वाई। तो इस तरीके से हमारे दो प्लेन, दो एक्सेस बन चुके हैं, एक एक्सेस हमारा कहला गया रियल एक्सेस और दूसरा एक्सेस हमारा कहला गया इमेजिनरी एक्सेस। ओके बच्चों, तो ये हमारा रियल एक्सेस कहला गया और एक हमारा कहला गया इमेजिनरी एक्सेस। दोनों एक्सेस मिल करके क्या बना रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए, दोनों एक्सेस मिल करके एक प्लेन बना रहे हैं जिनको इन लोगों ने चार पार्ट में बांट रखा है। ये प्लेन बना रहे हैं, रेड कलर से मैंने इसको बाउंड कर दिया है, ये प्लेन है। इस प्लेन को पिक के बारे में बात की थी अर्गंड ने, तो इस प्लेन का जो बाद में काफी बाद में नाम पड़ा अर्गंड प्लेन, वैसे इसके कई नाम थे, इस प्लेन को बोलते थे कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन कहला गया। अब आप कहेंगे सर यहां पे कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया, क्योंकि दो ही लोग थे यहां पे, एक तो रियल है और एक इमेजिनरी है। चलिए आते हैं, यदि हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की, आप जानते हैं कि इसके पहले जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था, ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन, उसमें एक होता था वाई एक्सिस और एक होता था एक्स एक्सिस। यदि हम किसी पॉइंट पे चलते थे, मान लीजिए 2.3 पे, तो हम क्या कहा करते थे, हम कहते थे कि हम एक्स एक्सिस में 2 कदम चले हैं और वाई एक्सिस में 3 कदम चले हैं। अब मान लीजिए आप इस पॉइंट पर आ चुके हैं, यस, और यदि यहाँ पर बैठा हुआ पॉइंट जो है 3.3 है, 3.3 है, ये क्या है, कार्टेशियन पॉइंट है, ये कार्टेशियन पॉइंट है 3.3। बट अगर इस पॉइंट को आप अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना रहे हैं तो ये आपको 3.3 नहीं शो करेगा, 3.3 कोई अलग जानकारी आपको देगा। क्या देगा वो जानकारी, देखिए 3.3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स तो है, मगर अब 3.3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स शो नहीं करेंगे, 3.3 जो है वो बन चुका है ऑर्डर्ड पेयर। थ्री कॉमा थ्री ये बता रहा है कि आपने रियल एक्सिस में 3 लेंथ ट्रेवल किया है और आपने इमेजिनरी एक्सिस में आई, 2i, 3i ट्रेवल किया है। मतलब अब आपका इससे एक नंबर एसोसिएट हुआ है जिसमें कुछ रियल पार्ट भी है और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है। रियल पार्ट कितना है इसका 3, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3i, तो एक नया नंबर आपका यहां पे बन रहा है। ओके, एक नया नंबर बन रहा है जो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को कंटेन करता है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप अपनी पेन की नोक को कहीं भी रख दें, एक्सिस के अलावा कहीं भी रख दें, तो वो पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो सपोज मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर है a, b, तो उससे रिप्रेजेंट होने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a+iota b। सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, यस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो 3.3 जो है ये कार्टेशियन में दिखता था,
बट अब 3.3 जानकारी के लिए सही है, बट 3.3 की जो एक्चुअल मीनिंग है वो 3+3 आयोटा है। तो 3.3 जो दिखाएगा आपको किसको दिखाएगा, 3+3 आयोटा को दिखाएगा। अब आइए, अब सर जो प्लस साइन है, यस, जो प्लस साइन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। एग्जैक्टली, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 3+3 साइन है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए एंड बी, तो ए प्लस आयोटा बी, बीच में प्लस ही आएगा और बी अपना साइन लेके आएगा। जैसे मान लो 3, -4 क्या बनेगा, 3+iota (-4। बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप इसको देखेंगे 3 - 4 iota, बट इसके यदि प्योर फॉर्म की बात करेंगे सो 3+iota (-4। समझ में आया, क्योंकि इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि इसका क्या है, रियल एक्सिस में कितने पार्ट है, 3, और इमेजिनरी एक्सिस में -4। यस और नो? यस सर, यस सर। हाँ, तो चलिए ये हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब आइए मैं बात करता हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपोजिशनेट कैसे करते हैं। बेटा ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप ध्यान से देखिए, आप इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन खुद में एक रियल नंबर भी है और दुनिया के सारे रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन मतलब ओ, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 0, 0। तो ये होता है, लिख लो बच्चों, ओरिजिन का कॉम्प्लेक्स नंबर 0+0 iota। ओके, ओरिजिन का कॉम्प्लेक्स नंबर 0+0 iota। सो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल। समझ में आया बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, यस, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एंड जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड। एक्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एक्स जो है रियल पार्ट है और वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना? यस अब देखिए, जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू 5, तो 5 क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर? आप कहोगे सर 5 तो रियल नंबर है। बेटा जेड इक्वल टू 5+0 iota, यस, ये रियल नंबर है मगर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। सो ऐसे नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, बच्चों अगर वाई इक्वल टू 0 होता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जरूर लिख लो बच्चों, जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, दैट टाइम इट इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? यस सर, यस सर। अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड इक्वल टू बचेगा 0+iota y, मतलब जेड इक्वल टू बचेगा आई वाई, यस, केवल इस फॉर्म में बचेगा। तो अगर रियल पार्ट 0 होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी। ये भी नोट कर लीजिए, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर, ओके, यस सर, यस। सो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से, शायद आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब बात कर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बैठते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बैठे हैं ये सब के सब प्योरली रियल हैं। ओके, जितने भी नंबर हैं, क्योंकि रियल नंबर है इनके इमेजिनरी पार्ट 0 है,
तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बैठते हैं? रियल एक्सिस पे। और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बैठते हैं बच्चों? इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके यस। अब मैं बात कर रहा था पोजीशन की। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजिशनेट किया जाता है तो दो चीजों की जरूरत होती है। एक, आप किसी की भी पोजीशन लेंगे तो दो चीजों की जरूरत होगी, कितने दूर हो और किस डायरेक्शन में हो। तो यहां पर दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन, ये डिस्टेंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस को बोलते हैं इसका मॉडुलस। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज बच्चों कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है लिख लो बच्चों, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो रैंडमली इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? x कॉमा वाई। यस, मतलब रियल एक्सिस में x यूनिट होगा और इमेजिनरी एक्सिस में कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा आई वाई, मगर उसकी लेंथ कितनी यूनिट होगी? y। आई तो आप ही चिपकाओगे, y। सो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक की दूरी, कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी को बोलते हैं उसका मॉडुलस। यस, दिस इज कॉल्ड मॉड जेड। सो व्हाट इज मॉड जेड? दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी देता है ओरिजिन से। सो क्या होगी इसकी दूरी? मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू रख दो बच्चों, जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई। ओके, क्या निकलेगी बेटा डिस्टेंस? सब लोग देख रहे होंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। यस सर। बोलो, आ गया बच्चों समझ? यस सर। यस सर। प्रगति, प्रियांशी, ध्रुव, कहीं पर दिक्कत हो भैया बोलते जाना, सभी बच्चे, कोई दिक्कत हो? यस सर। ओके, तो ये हो गया modulus of a complex number. So what is modulus? It is the distance of the complex number from the origin. That's it. किसी complex number की origin से distance को बोलते हैं modulus. अब कहीं भी बैठा हुआ हो, for example, आपके पास कोई complex number है, z equal to 1 plus 3 iota. 1 plus 3 iota. बोले इसका modulus निकालो. Very simple. Mod z equal to mod of 1 plus 3 iota. डंडे लगा दिए, मतलब modulus निकालना है. X का square, मतलब 1 का square. y का स्क्वायर, बेटा आयोटा मत लेना, नंबर का स्क्वायर, उसकी लेंथ का स्क्वायर करना है। तो लेंथ कितने यूनिट है? 3 है ना स्क्वायर। आंसर 3 यूनिट्स। आंसर 10 हो गया भैया, रूट 10 यूनिट इतना डिस्टेंस पे। यस सर। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको मॉडुलस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की एक पोजीशन तो मैंने दी, कितने दूर हो। दूसरा, कितने एंगल पे हो। ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ये एंगल कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। यस, तो लिखिए दूसरी पार्ट, लिखिए दूसरा पार्ट, लिखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट। भैया आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो है लीनियर, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये जो लाइन जा रही है, इसका मॉडुलस वाली लाइन कितना एंगल बना रही है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन एक्स एक्सिस से, कौन से एक्सिस से? एक्स एक्सिस, बट फिलहाल एक्स एक्सिस नहीं रहता यहाँ पे, इसका नाम पड़ जाता है रियल एक्सिस। ओके यस, तो लिख लो डेफिनेशन, the angle made by the line joining x, the line joining complex number with origin from real axis is called its argument. Yes. Hey. चलो नोट कर लो, ठीक है ना बच्चों, आ गया समझ में? यस सर।
चलिए, तो आर्गुमेंट क्या कहलाता है, मतलब कोई लाइन है। आइए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट के दर्शन कराता हूं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर बैठा होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर ब्लैक कलर से मैंने ले लिया, नाम नहीं लिखूंगा, मान लो कुछ है। आर्गुमेंट कहां होगा, ये इसकी लाइन को जोड़ दूं, ये जो एंगल बनेगा बेटा ये आर्गुमेंट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मान लो यहां पे है, तो आर्गुमेंट का कितना होगा बेटा, यहां से ओरिजिन से जोड़ दिया, ये जो एंगल बनेगा ये होगा आर्गुमेंट। आई बात समझ बच्चों, क्योंकि रियल एक्सिस ये है, हाँ या ना? यस सर, ये रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस के साथ ही एंगल लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, तो ये एंगल कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल कैसा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ कितने डिग्री होता है बच्चों, जीरो डिग्री रेडियन होता है। यहाँ पर कितने रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। यहाँ पर कितना होता है, जीरो। यहाँ क्या होता है, पाई रेडियन। अब चलिए देखते हैं, ये तो हो गए दो सीधे वाले, अब देखते हैं दो नीचे वाले, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर स्क्रीन फ्रीज हो रही है बार बार, एक मिनट अभी मैं फिर से इसको सही करता हूँ। हेलो, सही है? यस सर, ठीक है। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, कहीं भी हो रुका करो, ये नेटवर्क इशू, इसमें मैं क्या करूँ, कनेक्टिविटी पूरी लेके बैठा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई तो इस तरीके से होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, रियल एक्सिस के साथ ही एंगल बनेगा। चलिए अब थर्ड और फोर्थ को देखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ गया, तो देखिए क्या रहेगा, आप इधर से चल के आएंगे क्योंकि ये रास्ता आपके लिए छोटा है, मतलब यहाँ पर एंगल कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव एंगल लेंगे। अक्षत समझ में आया? यस सर। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब समहाउ यहाँ है, तो आपको एंगल कैसे लेना पड़ेगा, इधर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने स्टार्ट कहां से किया था, जीरो रेडियन से, और आपने कहां से मूव किया था, पाई से। बट जब आप डाउनवर्ड गए तो आप काउंट कैसे करोगे, जीरो टू माइनस पाई, ठीक है ना। इसका मतलब आपको चलना है, आर्ग्यूमेंट जो होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड शुड बी लाई बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। नोट कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई खतरनाक लाइन, बच्चों को समझ में नहीं आती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में होता है। एक्चुअली जब आप माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में चलते हैं ना, तो भैया बीच में जीरो है, तो जब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो ऐसे चलना, और जब थर्ड और फोर्थ में हो तो ऐसे चलना। आ गया समझ में? यस सर, क्योंकि जब फर्स्ट और सेकंड में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। यस बेटा, रिपीट कर दूं? सर प्लीज। हाँ जी, yes, देखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड में होगा, सेकंड में, तो आपका एंगल कैसे ट्रेस होगा, ऐसे ट्रेस होगा, या इधर की तरफ ट्रेस होगा, तो इस तरीके से ट्रेस होगा। तो मिनिमम जीरो पे रहोगे और मैक्सिमम कितने रेडियन पे आओगे, पाई पे आओगे। तो यहां से यहां तक की ट्रेवलिंग क्या बनेगी, जीरो टू पाई। बट अगर नीचे से चलोगे तो क्लॉकवाइज, मैंने बताया था नेगेटिव एंगल होता है, जीरो टू माइनस पाई। ओके, मतलब आपका आर्ग्यूमेंट कहां से कहां के बीच में डांस करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो सर, यस। तो ये हो गया बच्चों आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने का तरीका, इस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पहचानना है। तो मैंने आपको बातें बताई, मैंने आपको ये बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी टोटल चीज को बताने के लिए, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और मैं ये रेलवे स्टेशन पे आके खड़ा हुआ हूँ, तो वही वेक्टर वाली बात है कि मैं बोलूँगा भैया मेरे को लेने आ जाऊँ, तो मैं कहूँ, आप मेरे को कहोगे कहाँ लेने आ जाऊँ, मैं बोलूंगा मैं स्टेशन से 5 किलोमीटर पे हूँ, तो भैया 5 किलोमीटर तो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, जो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है,
यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, तो मैं कहां चला जाऊं 5 किलोमीटर में, तो इनफाइनाइट पॉइंट है मेरे पास में, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, मेरा आर्ग्यूमेंट कि मेरा एंगल ये है। समझ में आया बच्चों? यस सर। चलिए तो आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी निकलवा देता हूं मैं, एक दो बता देता हूं। अभी आर्ग्यूमेंट की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी जितनी जानकारी है उसको थोड़ा रोक करके रखिए कि आर्ग्यूमेंट इस तरीके से निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगली हेडिंग डालिए बच्चों पावर्स ऑफ आयोटा, अगली हेडिंग डालिए बच्चों पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा देखेंगे, पावर्स आयोटा की क्या क्या होती है। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा की। तो आयोटा की पावर 1 इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा की पावर 2 बच्चों, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा पावर 1 मतलब होता है अंडर रूट माइनस 1, ये मैं बता चुका हूं। आयोटा पावर 2 मतलब अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 दैट इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर इन टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना आया बच्चों माइनस 1, और आयोटा रख दो तो आंसर कितना आ गया माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1। बच्चों आराम से नोट करो, थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, और मुझे बताओ समझ में नहीं आया तो कौन सा वाला बताऊं। आयोटा की पावर 1 वही जो पढ़ाई मैंने, माइनस आयोटा होती है, माइनस अंडर रूट माइनस 1 होती है। आयोटा का स्क्वायर मैंने बताया क्या, सीधे अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 आ जाएगा। आयोटा का क्यूब मतलब कि आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, एंड आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब प्लस 1। बोलो। यस सर। युवराज अब मोबाइल डिस्प्ले जो है सामने दिखना चाहिए मुझे, है चलो। ये हो गया बच्चों आयोटा की पावर 4 की बात कर रही। अब देखिए बच्चों आयोटा की पावर 5, पूरा आयोटा इसी में खेलता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। इसका मैं साइकिल बना के भी आपको दिखा देता हूं, देखो होता क्या है। ये देखिएगा आयोटा की पावर 1 मतलब कि आयोटा, ये देखो आयोटा की पावर 1, आयोटा यहां पे घूमेगा। आयोटा की पावर 2 मतलब माइनस 1, मतलब माइनस 1। आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस आयोटा, मतलब माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 मतलब प्लस 1, ये देखो प्लस 1। अब आ जाओ आयोटा की पावर 5 कैसे करोगे। आयोटा की पावर 5 का मतलब आयोटा की पावर 4 और एक आयोटा, क्यों? अरे सर 1 होता है ना, इसलिए मजे हमारे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, मतलब कि कितना हो गया आयोटा। देखो ध्यान से रिपीट होना शुरू हो गया, आयोटा की पावर 5 फिर से कितना हो गया आयोटा। आयोटा की पावर 6 का मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, कितना पढ़ाया बच्चों मैंने माइनस 1 अभी पढ़ाया, देख लो ध्यान से, तो ये कितना आ गया माइनस 1। ये देखिए फिर से आ गया, यहाँ पे आया था अब यहाँ पे आ गया। फिर आयोटा की पावर 7 कर दो, तो आयोटा की पावर 7 मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का क्यूब, मतलब 1 इंटू आयोटा की वैल्यू कितनी पढ़ाई बच्चों मैंने माइनस आयोटा, तो आ गया माइनस आई आ गया, फिर से यहाँ पे आ गए। और फिर आयोटा की पावर 8 कर दिया मैंने, तो आयोटा की पावर 4 और फिर से 4 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। देख रहे हो आयोटा की वैल्यू जो है एक सर्किल में रिपीट हो रही है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो आयोटा की वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब आयोटा की मेन सही वैल्यू है वही चक्कर खाती रहती है बस, समझ गए ना। आयोटा की जो है चार वैल्यूज हैं वो चक्कर खाती रहती हैं। अब आइए देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू, अब एक नया नोटेशन होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, है ना, वो नोटेशन है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आया सिग्मा आयोटा की पावर एन 1 से लेकर के 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन था।
आयोटा की पावर एन 1 से लेके 100। बेटा सिग्मा का मतलब होता है सक्सेसिव समेशन, लगातार सम। एन की वैल्यू कहाँ से रखनी है, 1 से। कहाँ तक रखनी है, 100 तक। प्रियांशी समझ में आया प्रकृति? एन की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से 100 तक। चलो खोलो इसको, सिग्मा खोलोगे तो सीरीज होती है आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, डॉट 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 डॉट, आई की पावर 98, फिर आएगा 99 आएगा और फिर 100 आएगा। समझ कि पूरा लिखूं बीच के नंबर? नो सर, गॉट इट। ओके, आपको बोला no, हाँ ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ भाई। हाँ कौन बताएगा, प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो बेटा। सर व्हाट, योर स्क्रीन इज गेटिंग हैंग। क्यों, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी बच्चों? हेलो, दिख रही है सर, बट थोड़ी सी फ्रीज हो रही है। नहीं सर, नहीं दिख रही है स्क्रीन यार, नेटवर्क तो चकाचक है यार एकदम। तो आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो एक बार। आ गई प्रियांशी? नहीं आई स्क्रीन? हेलो हेलो हेलो, इस पे मत कर, इस पे लिख ले। बच्चों बोलो। सर आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4 का सम कर देंगे और फिर 25 बार रिपीट, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। एग्जैक्टली बोलो प्रियांशी, समझ में आया कैसे करेंगे? अरे देखो बच्चों, भोले भाले बच्चों, आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा की पावर टोटल वैल्यू 1, यू सेइंग टोटल वैल्यू इज 1? यस सर, बिकॉज़ वी आर मल्टीप्लाइंग इट, सो द आंसर। अच्छा सर, वी आर डूइंग द सम, सॉरी सर, सॉरी सर, यस। सो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, देन आई टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड देन आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू प्लस 1। लेट्स ऐड देम, चार पेयर ऐड करो, तो आई से माइनस आयोटा कैंसिल और माइनस 1 से ये कैंसिल, मतलब चार लगातार पावर का सम कितना है, जीरो है कि नहीं है बोलो? जीरो, यस सर। तो yes, चार लगातार पावर का वैल्यू कितना आएगा सम, जीरो। जीरो, अगले चार पावर का सम फिर से कितना आएगा, जीरो। और लास्ट जीरो, चार जीरो। पावर का भी सम कितना आएगा, जीरो, यस और नो? जीरो। तो इसलिए जीरो, इस बार जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो। ठीक है भाई, तो मच्छर मिमिक्री करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इस तरीके से बहुत इजी इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना? आप देख लो ना, 5, 6, 7, 8 इनको भी जोड़ करके देख लो यार, चार लगातार पावर है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरीके से आप आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हैं। सर बट आयोटा की बड़ी पावर निकालनी हुई तो क्या करेंगे? जैसे मान लो आपको आयोटा की पावर आ गई 217 आ गई आयोटा की पावर। अरे भैया, तो 217 आयोटा की पावर है, तो चार चार के पेयर बना लो, क्योंकि आयोटा की पावर 4 वाले पूरे पेयर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो क्या करो, 217 में 4 का डिवाइड कर दो, 4, 5 जा 20, 1 बचा, 7 बचा, 4, 4 जा 16, कितना बचा, 1 बचा। बच्चों देखो ध्यान से, 217 को क्या आप 4 × 54 + 1 नहीं लिख सकते हो? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोफिशिएंट, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बोलो यस और नो? जी सर, यस सर। आई की पावर 217 इक्वल्स टू आई की पावर 4 × 54 + 1, बोलो हाँ? यस सर, यस। बेस सेम है, पावर ऐड है, तो बेस सेम, पावर ऐड है, सो यू कैन राइट आई टू द पावर 4 × 54 मल्टीप्लाइड बाई आई टू दी पावर 1। बच्चों ध्यान से देखो, आई की पावर 4 × 54 हो जाएगा और आई की पावर 1, आई की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। यस सर, केवल ये वाला पार्ट बचेगा, मतलब काम का क्या है, ओनली एंड ओनली रिमाइंडर काम का है। तो सीधी बात, कितनी भी पावर हो, जो रिमाइंडर आए पावर में वही बचेगी,
बाकी तो सब वन हो जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर, यस सर। तो अगर आपके पास yes, कोई भी क्वेश्चन आ जाता आई की पावर एन, सो यू शुड राइट दैट आई की पावर 4 इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर एंड फाइनली योर आंसर विल बी आई टू द पावर रिमाइंडर। बच्चों ये फॉर्मूला नोट कर लो, आई टू द पावर एन इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 4 क्यूब 1 बन जाएगा और आई की पावर आर। समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लेना, बिल्कुल चुप रहने की जरूरत नहीं है। आ गया, क्लियर है भैया? यस सर। चलो ठीक है, सो इस तरीके से हम आई की कोई भी पावर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, क्लियर प्रगति? यस सर। ओके, चलिए अब बच्चों हेडिंग डालो नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा। नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा, तो जिससे पॉजिटिव पावर बनती है उससे नेगेटिव पावर बनती है। नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा, देखिए कैसे होते हैं इसमें नेगेटिव पावर के क्वेश्चंस। जैसे आपको आ गया आई की पावर माइनस वन, क्या होगा? वेरी सिंपल बेटा, वन अपॉन आयोटा। अब आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा बन जा आयोटा और नीचे हो गया आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया आयोटा और अभी अभी पढ़ा आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो आंसर कितना हो गया माइनस आयोटा। दूसरा आयोटा की पावर माइनस टू, क्या होगा बच्चों? वन अपॉन आयोटा का स्क्वायर मतलब वन अपॉन माइनस वन, आंसर कितना हुआ माइनस वन। आयोटा की पावर माइनस थ्री मतलब वन अपॉन आयोटा का पावर थ्री मतलब वन अपॉन आयोटा की पावर थ्री अभी अभी आपने निकाली है माइनस आयोटा, मैंने निकलवाई है, याद है आयोटा की पावर थ्री होती है माइनस आयोटा, ये देख लो माइनस आयोटा होती है, भूल ना जाना प्लीज। तो आयोटा की पावर थ्री होती है माइनस आयोटा, क्या करोगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए एक आयोटा का ऊपर एक आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा बन जा आयोटा और नीचे माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा बन जा आयोटा और माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आयोटा। चलिए आयोटा की पावर माइनस फोर मतलब वन अपॉन आयोटा की पावर फोर, आंसर वन अपॉन वन इक्वल कितना वन, ठीक है? यस सर। चलिए को जोड़ करके देखते हैं क्या होता है। अब पहले चारों को जोड़ने पहले एक बार आयोटा की पावर माइनस फाइव निकाल देता हूं। आयोटा की पावर माइनस फाइव इज इक्वल्स टू वन अपॉन आयोटा टू द पावर फाइव, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आयोटा की पावर फोर इंटू आयोटा। वन अपॉन आयोटा की पावर फोर होता है वन इंटू आयोटा, सो वन अपॉन आयोटा। ओके, सो ध्यान से देखिए आयोटा की पावर फाइव बन गया, वही बन गया वन अपॉन आयोटा बन गया और वन अपॉन आयोटा करेंगे आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर आयोटा का मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर आयोटा नीचे माइनस वन, बोले तो माइनस का आयोटा, तो रिपीट हो गया कुल मिला के, फिर से रिपीट हो गया। तो यदि मैं इन चारों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखो, तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कहूंगा आयोटा की पावर माइनस वन प्लस आयोटा की पावर माइनस टू प्लस आयोटा की पावर माइनस थ्री प्लस आयोटा की पावर माइनस फोर इक्वल टू कितना बच्चों? जीरो। जीरो, ठीक है ना? चारों को ऐड कर दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कुछ इस तरीके का, आप मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। आयोटा की पावर एन प्लस आयोटा की पावर आयोटा की पावर एन माइनस वन प्लस आयोटा की पावर एन माइनस टू प्लस आयोटा की पावर एन माइनस थ्री प्लस आयोटा की पावर एन माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी? आयोटा की पावर एन माइनस वन प्लस आयोटा की पावर एन माइनस टू प्लस आयोटा की पावर एन माइनस थ्री प्लस आयोटा की पावर एन माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी? सर एन बिलोंग टू इंटीजर और रियल नंबर? इंटीजर मेरे भाई, रियल नंबर नहीं ले सकता हूं ना, इंटीजर ही लेना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहली एक तो ये है कि आप देखिए सब लोग जानते हैं
कि x की पावर m प्लस n इक्वल टू होता है x की पावर m इंटू x की पावर n। तो यहाँ पर i की पावर n इंटू i की पावर माइनस वन, i की पावर n इंटू i की पावर माइनस टू, i की पावर n इंटू i की पावर माइनस थ्री, i की पावर n इंटू i की पावर माइनस फोर। अब i की पावर n कॉमन ले लें तो i की पावर माइनस वन प्लस i की पावर माइनस टू प्लस i की पावर माइनस थ्री प्लस i की पावर माइनस फोर। बताइए अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है इन चारों का सम कितना होता है, बोलो। जीरो। जीरो, तो i की पावर n मल्टीप्लाइड बाई जीरो, सब कुछ स्वाहा, तो आंसर आ गया जीरो। क्लियर है? Yes. Yes, और सीधी बात बोली जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, लगातार चार पावर का सम जीरो होगा, चाहे वो आयोटा का हो चाहे वन अपॉन आयोटा का हो। तो ये देखो लगातार चार पावर ही तो है, ये n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर है, लगातार चार पावर की नहीं है, बताओ। यस सर, बिल्कुल है। तो आयोटा की लगातार चार पावर्स का सम कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये आपको शीट में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लो जल्दी से। सर इनको रेशनल रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं भैया? इनको ऊपर ही रेशनलाइज ही करना पड़ेगा, आयोटा नीचे नहीं रहता, बेचैन हो जाता है, याद रखना। मतलब वन अपॉन आयोटा आपको कभी वो तो हो जाएगा। हाँ, तो आयोटा आयोटा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ऊपर बनेगा आयोटा, नीचे बनेगा माइनस वन, ऊपर लाना पड़ेगा माइनस आयोटा। मतलब अगर मैंने n की कोई रैशनल वैल्यू रख दी, कोई गलत तो कर नहीं सकता, क्योंकि होना तो आखिर में रैशनलाइज है, तो कोई गलत क्या बात है उसमें। रैशनल वैल्यू i की पावर 2 बाय 3 नहीं, दिक्कत है ना, वो तो मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखाया नहीं मेरे भाई। ये बोलो इंटीजर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, रैशनल भी क्या दिक्कत है? रैशनल अभी सॉल्व करना मैंने सिखाया नहीं आपको, बहुत अलग कथा है रैशनल की, बिल्कुल अलग ही टॉपिक है सर। वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली कथा भी इसी में आएगी, आएगी रैशनल में ही आएगी। हाँ है ना, ठीक है ना। अभी वो चतुर्थ खंड में है, अभी अपन चल रहे हैं प्रथम खंड में, ठीक है ना। ओके सर, प्रथम अध्याय चल रहा है अभी। चलिए बोलो, समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े? यस सर, ठीक है। यस सर, तो इस तरीके से आयोटा की पावर्स वाला काम समाप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक है बच्चों एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, डिवीजन, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो नए पेज में ले लेते हैं। तो अब हेडिंग डालिए बच्चों एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री पूरी लगा लेना ईमानदारी से, हम बहुत पूछेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी, टेस्ट होगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी तो बेसिक कर ही लेना भाई, करना ही है, वो छोड़ना नहीं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन। तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला है एडिशन। एडिशन बहुत ही घटिया वाला काम है एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और जेड टू, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री प्लस टू आई टाइप का होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्लस फाइव आई टाइप का होगा। एकदम बच्चों वाला एलकेजी वाला काम करना है, जेड वन प्लस जेड टू, रियल को रियल से जोड़ देना, तीन और दो पाँच, और इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ देना। बस ये गलती मत करना कि रियल वाला इमेजनरी में जोड़ देना, बाकी सब कुछ ठीक है। तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल जुड़ जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू इतना आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। और कोई अगर गलती से जेड वन प्लस जेड टू को ना लिख करके जेड टू प्लस जेड वन को जोड़ दे तो दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस चीज को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में होती नहीं है कोई प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझ गए ना। तो एडिशन की एक प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी चिपका करके तीसरे को अलग कर दो। तो जेड वन प्लस जेड टू के चिपके के साथ जेड थ्री को ऐड कर दो, या जेड वन के साथ जेड टू और जेड थ्री को चिपका करके अलग कर ऐड कर दो, बात बराबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया बच्चों? यस सर। चलिए तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि थ्री प्लस फोर आई में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को थ्री प्लस फोर आई मिल जाएगा, बोलो बच्चों थ्री प्लस फोर आई में मैं क्या जोड़ूं कि थ्री प्लस फोर आई मिल जाए? जीरो। जीरो,
देखो जीरो जीरो नहीं बोलो बेटा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जीरो प्लस जीरो आयोटा, क्योंकि बात है क्लोजर लॉ की, बकरी में बकरी का सिर जुड़ेगा, समझ में आया ना? बकरी के, बकरी का यस अगर सर, बकरी का फेफड़ा चेंज करोगे तो बकरी से बकरी का, इंसान का तो नहीं लग जाएगा, है ना? मतलब मॉडर्न साइंस की बात मत करो, अपन जनरल की बात कर रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो जाए यस सर, आगे, ठीक है ना? तो 3 + 4 i इक्वल टू 0 + अभी मैंने सुना हो कि किसी ने सुअर का लीवर लगवा लिया है, आ रहा था न्यूज़ में, बिल्कुल सर, अभी है सुमर का ना? हार्ट भी लगा है। हाँ, तो अब मॉडर्न साइंस की बात अपन ही फंस जाएंगे। तो 3 + 4 i जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को ही ऐड करना पड़ेगा, तो क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? 0 + 0 i। तो ऐसी चीज जिसको ऐड करने पर कोई रिस्पॉन्स बदलता नहीं है उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये एनडीए का क्वेश्चन रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, आंसर 0 + 0 i। ठीक है बच्चों, यस सर, चलिए यस सर, नेक्स्ट, अगला मैं पूछूं आपसे। हाँ अब बताओ प्रकृति, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 i, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 0 + 0 i? सो वी विल यूज द आइडेंटिटी। व्हाट आइडेंटिटी? अरे सीधे जनरल नॉलेज लगाओ ना, इसमें क्या ऐड करोगे कि आंसर इसका जो है, इसका जो आंसर है वो 0 0 0 आ जाए, क्या ऐड करोगे? वेरी सिंपल। सर 0 + 0, सर नहीं बेटा, 0 + 0 ऐड करोगे तो आंसर 0 + 0 कैसे आएगा? इट विल बी यस नेगेटिव एग्जैक्टली, टू, -3 i, यस यस सर, -2 - 3 i। यस, सो इफ यू हैव एनी नंबर जेड देन यू शुड नीड टू ऐड माइनस ऑफ जेड, ओके, दैट टाइम यू विल हैव द आंसर 0 + 0 i। सो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यहां पर जो माइनस जेड है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स। यस समझ में आया? सर, एडिटिव यस आइडेंटिटी सर, मतलब क्या जोड़ा जाए कि कोई फर्क ना पड़े, और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या जोड़ा जाए कि बर्बाद हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या जोड़ा जाए कि 0 आंसर आ जाए। तो जेड में क्या जोड़ोगे? माइनस जेड। तो 2 + 3 i का नेगेटिव क्या होगा? -2 - 3 i। ओके यस सर, चलिए, तो यस सर, ये हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी टाइप में है, दिखा देता हूँ आपको। Z1 इक्वल टू मान लो 3 + 4 i है, Z2 मान लो आपके पास कितना है, Z2 आपके पास मान लो 1 + i है, तो आपको Z1 - Z2 करना है, तो यहाँ माइनस कर दो, साइन चेंज, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, 4 i में से 1 i गए प्लस का 3 i। ठीक है बच्चों, कर लोगे ना? यस यस सर, सर, तो ये हो गई यस सब्ट्रैक्शन वाली बात, ठीक है ना? अब इसके बाद आते हैं कौन सी बात, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डालिए कॉपी में हेडिंग प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए भैया प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत सामान्य, जैसे बचपन से करते आ रहे वैसे ही करना है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने मन से उठा लो, मान लो 2 + 3 i, और अपने मन से बोल दो 3 + 4 i। अब दोनों को प्रोडक्ट करना है बिल्कुल बचपन के जैसे करना, पहले 2 को उठाओ पूरे के साथ आग लगा दो 3 + 4 i, फिर 3 i का उठाओ सबके साथ आग लगा दो 3 + 4 i। अब बड़े आराम आराम से मल्टीप्लाई करो प्यार के साथ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 i, 3 i × 3 9 i। सावधान, यहां पर होने वाला है पंगा, 3 × 4 + 12 आएगा, बट आयोटा भी है, आयोटा भी है, तो बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। यस, यही था पंगा। चलो देखो बेटा अब क्या करेंगे इसको, आपको क्या करना है, 6 + 8 9 17 i और 12 × -1, तो 6 + 17 i और -12, तो 6 12 रियल पार्ट है, तो 6 में से 12 माइनस जाएगा, तो कितना बचा, -6 + 17 i, -6 + 17 i। बोलो क्लियर है?
यस सर। हाँ तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। अब आपसे कोई बोले कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट बता दो, तो रियल पार्ट क्या है? -6। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बता दो, Z1 इंटू Z2 का आंसर क्या है? 17। ठीक है बच्चों? सेवेंटी यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं यस था। सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, बट उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों पहले इसकी फोटो खींच लो एक बार एंड बी सेटिस्फाइड कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। अच्छा तो कोई दिक्कत बन जाएगा? यस सर। ओके अब इसके बाद है भैया अपना इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डाले काम की बात, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे इनवर्स बनेगा उससे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपके पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 iota, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोले इसका इनवर्स निकालना है, बोले इनवर्स क्या होगा? जेड इनवर्स होगा। तो जेड इनवर्स का मतलब 1/z, मतलब 1/2 + 3 iota, ये निकालना है हमें। अब देखो मैंने अभी अभी बताया कि नीचे आयोटा बेचैन होता रहता है, नीचे नहीं बैठ सकता है, तो क्या करना है? 1/2 + 3 iota को नीचे नहीं बैठेगा, तो आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, 2 - 3 iota का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 - 3 iota का नीचे मल्टीप्लाई। इससे क्या फायदा हो जाएगा? ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई है तो बचेगा 2 - 3 iota, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलो ऊपर क्या बन गया? 2 - 3 iota, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा का भी स्क्वायर होगा -1, वो इसको भिड़ेगा और -9 को +9 कर देगा। तो आंसर कितना आ गया? 2 - 3 iota / 4 + 9 कितना हो गया? 13। तो ये बन गया आपको बच्चों जेड इनवर्स। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छे से देखो बच्चों, क्लियर एकदम? यस सर। ओके अब देखो भाई इसको जेड इनवर्स तो बन गया है बच्चों। जेड इनवर्स में आप क्या इसको लिख सकते हो? इसको लिखोगे 2/13 + iota - 3/13। सर जी आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर आपको बताना चाहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया मुझे रियल पार्ट बता दो, तो उसको बोल दो 2/13। कोई पूछे आपसे कि मुझे इमेजिनरी पार्ट बता दो भैया, तो इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? -3/13। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बच्चों? यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव होता फोर्थ है, क्वाड्रेंट। वाई नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना इनवर्स। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स आ चुका है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन की। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे गए हैं, उनका आपको डिवीजन निकालना है। आइए देखते हैं, हमें निकालना है Z1/Z2। वेरी सिंपल, आप इसको Z1 मल्टीप्लाइड बाई 1/Z2 तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते सर। बस, और 1/Z2 निकालना मैंने अभी आपको सिखा दिया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 + iota / 2 + 3 iota। ये देखिए, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 1 + iota तो ठीक है, 2 + 3 iota को मैंने करना कैसे सिखाया था? ये देखिए, 1/2 + 3 iota, ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 - 3 iota का, और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 - 3 iota का। बस सॉल्व करते जाइए, आंसर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर 1 का मल्टीप्लाई 2 - 3 iota के साथ, फिर +iota का मल्टीप्लाई 2 - 3 iota के साथ, फिर नीचे a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कितना हो गया? 4,
टू इंटू थ्री कितना हो गया माइनस सिक्स आयोटा, आयोटा इंटू टू प्लस कितना हो गया टू आयोटा, एंड आयोटा इंटू थ्री माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया जी। चलिए टू का स्क्वायर कितना हुआ फोर, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और आयोटा स्क्वायर सर इट विल बी वन इन वेयर वेयर सर इन द न्यूमरेटर वन इनटू टू माइनस थ्री आयोटा। हाँ बेटा ये मिस्टेक हो गई मुझसे, राइट यस, वन इनटू यहाँ पे टू आएगा और माइनस थ्री आएगा, बिल्कुल सही बेटा यस। चलिए अब ठीक कर दिया ना, हाँ ठीक है, हाँ तो वन टू जा टू हो जाएगा एंड माइनस थ्री आयोटा, तो नाउ टू माइनस थ्री आयोटा प्लस टू आयोटा मतलब हो गया माइनस का आयोटा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। योर स्क्रीन इज ऑन। ओके अभी देखो सही हुई क्या, यस सर हो गई सही, परफेक्ट है। चलो वन टू माइनस, देखो बेटा ये हो जाएगा माइनस थ्री आयोटा प्लस टू आयोटा हो गया माइनस आयोटा, एंड थ्री इंटू आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का थ्री और आयोटा स्क्वायर कितना माइनस का वन, और नीचे फोर प्लस नाइन, तो आंसर आ गया भैया टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस थ्री मतलब फाइव, माइनस आयोटा अपॉन फाइव प्लस नाइन कितना हुआ फोर प्लस नाइन कितना होगा थर्टीन। यस बोलो क्लियर है। यस सर। यस तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे जितने होते हैं ये हमने सब आपको बता दिए, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमा लीजिए, जल्दी से अपनी बुक पे आ जाइए और बुक पे एक बार जल्दी से बड़ी तेजी के साथ जिसको कहते हैं सरसरी निगाहों के साथ अपने एक्सरसाइज 5.1 को विजिट कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता वो मेरे से पूछिए आप लोग फटाफट एकदम। पूछिए बच्चों। सर वो ये जो ग्रे वाला इससे देखते जाना है। हाँ बस आपको, हाँ ग्रे वाला देखते जाना, बस देख के आपको देखना है कि बन रहा कि नहीं बन रहा, बस मतलब बड़ी स्पीड के साथ बस यही है, मैंने तो करा दिया अब आपको ऐसे देखते जाना है, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा आप लोग को। अपनी शीट में देखिए, मैं नहीं देख रहा हूँ आप लोग देखो, अपनी शीट ओपन कर लें और जल्दी से देखते जाएं क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर एक तरफ से, जो नहीं बन रहा बस मुझसे पूछें कि सर ये वाला बता दीजिए तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कुछ भी बताने लायक ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं शायद मेरे हिसाब से। फर्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से देखें। कैप किधर है? हाँ भाई अक्षत क्या हाल चाल है, बन रहे क्वेश्चन कि नहीं बन रहे? बन रहे सर, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी साथ में देखते जा रहे हैं। हाँ ठीक है देखते जाओ, किसी में दिक्कत आए बिल्कुल पूछो। यस सर।
जैसे नंबर 14 प्लस 28 आई लिखा है तो उसमें से अपन 14 कॉमन निकाल के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना? हाँ लिख सकते हैं ना, 14 प्लस 28 आई ना, कैसे लिख लेंगे सर? जैसे 14 जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा, अब 14 तो केवल रियल पार्ट में ही मल्टीप्लाई होगा ना। देखो जैसे 14 प्लस 28 आई अपॉन 2 है, समझ गए? हाँ तो अब इस समय क्या है, 14 के नीचे भी 2 जाएगा और 28 आई के नीचे भी 2 जाएगा, समझ गए ना? वो तो सर समझ गया, लेकिन अलग से जैसे अकेले 14 प्लस 28 आई लिखा है तो अकेले 14 को नहीं, नहीं तब नहीं निकाल सकते। यस सर वही पूछ रहा था मैं, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसको कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, ठीक ना? यस सर। हाँ अच्छा सुनो, उसका फिर एक तरीका है जो तुम कह रहे हो ना, वो भी गलत एक्चुअली पूरे तरीके से गलत, क्या है ही नहीं है गलत। जैसे 14 प्लस 28 आई है, ठीक है ना, तो तुमने 14 कॉमन निकाला जैसे, ठीक है ना, 14 प्लस 14 आई निकाल दो, नहीं वो 14 नहीं आएगा, वो 14 प्लस 0 आई कॉमन निकलेगा, वो रियल पार्ट तुम कॉमन निकाल रहे हो उसका, तो वो 14 प्लस 0 आयोटा कॉमन निकलेगा बाहर, और फिर वो बनेगा कितना, 1 प्लस 2 आई। सर जो जैसे 0 आई निकाला, अब 0 आई मल्टीप्लाई होगा ना 2 आई में, 14 थोड़ी ना मल्टीप्लाई होगा, करके मल्टीप्लाई देखो एक बार कितना आएगा, क्यों 14 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना रियल, फिर इसके साथ भी जाएगा ना एक बार। आप 14 प्लस 0 आई को 1 प्लस 2 आई के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आएगा, ये रियल है ना, ये रियल पार्ट है, मतलब रियल को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यस सर। मगर ऐसा कभी होगा नहीं, आपसे रियल पार्ट पूछा जाएगा तो 14 ही आएगा, क्या 0 आई आएगा? हाँ 14 प्लस 0 आई आएगा, 2 आई क्यों आएगा, 14 प्लस 0 आई आएगा। फिर सर रियल वो अपना जो ओरिजिनल नंबर था वो तो बचा ही नहीं, ओरिजिनल नंबर तो 14 प्लस 28 आई था ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखो इसको, देखो देखो 14 वन जा 14 है, बोलो हाँ हाँ सर, 14 14 टू जा 28 आई हुआ, वो सर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो रियल पार्ट है ना, वो इमेजिनरी पार्ट है। अरे देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने जब क्वेश्चन कराया है 2 प्लस 3 आई इंटू 4 प्लस 6 आई, बोलो तो इसका इससे करता था पहले, फिर इसके बाद इसका इससे करता था, ऐसा कोई रूल थोड़ा ना कि रियल वाला पार्ट इमेजिनरी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन सही है दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर इसके बाद इसको इसमें ले जाता था, इसके बाद इसमें ले जाता था, याद है ना? समझ गया, ऐसे ही तो किया। मगर जो आप पूछ रहे हो कि सर कॉमन लेना आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, मगर यदि आप बोलेंगे इसका रियल पार्ट क्या है तो 14 ही होगा, अगर कॉमन लेने के बाद आप कहें कि रियल पार्ट 1 है, वो गलत है, रियल पार्ट 1 नहीं होगा, भले आप कॉमन 14 ले चुके हैं, ठीक है? यस सर समझ गया। मतलब एक्चुअली जो कॉमन लेते हो उसको भी कॉम्प्लेक्स ही माना जाता है, वो कॉम्प्लेक्स ही एज ए कॉम्प्लेक्स डील होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर हो, जीरो है वो अपन लिखते नहीं है उसको, जीरो को जीरो प्लस जीरो वाई लिखना चाहिए, एक्चुअली रूल ये है कि जीरो प्लस जीरो वाई लिखा जाए। जैसे वेक्टर में रूल होता है कि अगर आप वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर ए जोड़ें तो आंसर बच्चे जीरो लिख करके आते हैं, बट होता है आंसर जीरो वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। बेटा युवराज ईयरफोन के वायर कटे ना, पूरे 32 दांत काट दूंगा, निकाल लूंगा मैं। हाँ भाई प्रकृति प्रियांशी क्या समाचार है बेटा, बन रहा कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? कहाँ गए प्रकृति प्रियांशी, आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज दो। सेकंड क्वेश्चन, पहला किया है, सॉल्व कर रहे हो क्या कॉपी में? हेलो बच्चों, अरे बच्चों सॉल्व मत करो, देखो जल्दी जल्दी से,
देखना ही है बस, सॉल्व नहीं करो कॉपी में, शीट जो दी है उससे उससे बस देख करके अंदाजा लगाओ कि बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। आज तेज वाली क्लास चल रही ना इसलिए। अक्षत तुम काय पे पहुंच गए अभी? क्वेश्चन नंबर 9 पे हो। चलो 9 तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में अक्षत इसने -1 कॉमन ले लिया, -1 का क्यूब, वो अपनी सुविधा बढ़ाएगा और नहीं तो अपन माइनस को लेके कहाँ घूमते रहेंगे, है ना। अब भले इसने -1 को वहां -1 + 0 आयोटा नहीं लिखा है, रूल्स को देखा जाए तो इसने पूरा पूरा वॉयलेट किया है, ठीक है ना, बट चलता है, जब तक आंसर आ रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली वो है जो रैशनलाइज कर दे वन अपॉन जेड वन, हाँ हाँ वन अपॉन जेड करके, है ना, जैसे जेड दिया है तो उसको पहले अपॉन करके सीधे रैशनलाइज कर दो, वही आंसर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन।
अच्छा तो हो गया कंप्लीट? यस सर डन। चलिए बच्चों बाकी प्रगति प्रियांशी यस सर डन क्वेश्चन बन गए बन रहे हैं यस सर। चलिए अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस। ये देखिए मॉडुलस कह रहा है जेड माइनस जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री। ओके तो जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री, तो सबसे पहले इसका एक्स और वाई पहचानो या ए या बी पहचानो। तो जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा इंटू माइनस रूट थ्री, तो ये तलाश हो गई, ये है ए और ये है बी। मॉडुलस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर होगा वन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो थ्री प्लस फोर हो गया टू, फोर और फोर का रूट कितना आ गया टू, तो मॉडुलस कितना हो गया टू। बोलो बच्चों क्लियर है? ऐसे ही सिखाया ना मॉडुलस निकालना मैंने। चलिए अब आपको सिखाते हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पक्के से आएगा और जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट निकालना। ठीक ना, आर्ग्यूमेंट अपन कैसे निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप कर लो उसका आर्ग्यूमेंट निकालने का एक मेथड है, वो हम आपको बता रहे हैं अच्छे से। देखिए वैसे तो आर्ग्यूमेंट निकालने के कई सारे आपको उल्टे सुलटे मेथड मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे। आर्ग्यूमेंट निकालने का एक बहुत सीधा साधा तरीका, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हमने आज ही बात करी क्लास के स्टार्टिंग में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की दो पोजीशन होती हैं, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो अपनी पोजीशन दो तरीके से अपनी अपनी पोजीशन पूरी पूरी बता पाता है कि एक वो कहाँ पर बैठा है और ओरिजिन से कितनी दूरी पर बैठा है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो नंबर वन वो कितनी दूरी पर है ये कहलाता है इसका मॉड जेड, और वो किस एंगल पर है, किस क्वाड्रेंट पे साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, तो ये कहलाता है इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये कहलाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, उसके आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको उसका आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, द क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इजी है, कैसे करेंगे इसको, देख करके कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, समझ गए ना। अगर एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक्स कॉमा वाई निगेटिव पॉजिटिव हैं, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, अगर एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और अगर x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो नंबर वन रहेगा आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको निकालना है एक एंगल अल्फा। ये जो है इसका मैंने नाम दे दिया है अल्फा इस एंगल का, और अल्फा एंगल क्या होता है देखो बच्चों, ये समझा देता हूं मैं, इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अल्फा वाली योजना क्या है मेरी। ये मान लो फिलहाल ये एंगल अल्फा है, ओके, तो मैं कैसे करूंगा, ये मॉड जेड है, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी एक्स, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी बच्चों वाई, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। बोलो यस यस ना, टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। सो अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। बोलो यस की नो? यस सर। हाँ भाई, बाकी यस नहीं आए, नहीं आया क्या समझ में? यही है ना सर आईडीएफ? हाँ हाँ यही है, यस। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, मतलब की उल्टा एंगल लगेगा। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x अल्फा इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों, अब क्वाड्रेंट चेक करो कि कौन से क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो क्या होगा,
जो आपने ये अल्फा निकाला है यही आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे है, तो ध्यान से देखो अल्फा तब आपका ये निकलेगा, बट एंगल आपका क्या काउंट होगा बेटा, एंगल आपका यहां से काउंट होगा ये पूरा का पूरा, तो टोटल एंगल कितना होता है 180 में से ये वाला अल्फा हट जाएगा। अक्षत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो एंगल कितना बनकर क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा, तो यहां पर आर्ग्यूमेंट कितना निकलेगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, फिर से देखो, अगर मान लो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो इस मेथड से y अपॉन x से आपका अल्फा तो ये निकलेगा, बोलो हाँ हाँ सर, बट नापना तो ये वाला एंगल है, क्लियर ना? यस सर। टोटल एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन का, पाई, जीरो से लेके पाई, पाई, और हमको अल्फा अलग हो गया तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना बचा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। चलो दूसरा, अगर यहां पर जाओगे तो पाई माइनस अल्फा है, अब ये जाओगे तो आपको मेजर यहां से करना पड़ेगा, पाई प्लस अल्फा, नहीं माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों क्वाड्रेंट लिख लीजिए माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे तो जस्ट आपको यहीं से घूम के जाना है, मतलब माइनस अल्फा। ठीक है, यस सर। ये टेबल लिख लो बस, बहुत काम की ये टेबल है। ओके बच्चों, यहां मॉड लगा लेना नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। मॉड इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि आपने पाई माइनस पाई सब बाद में ले लिया है, इसलिए आपको वहां पर केवल टेन अल्फा का शुद्ध रूप चाहिए है, नहीं तो माइनस पाई ना इनपुट कर दिए तो 30 डिग्री की जगह पता चला 120 डिग्री दे दे वो आपको, जबकि माइनस है ना, हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री अपनी लगाने लग जाए और आप खुद की लगा ही रहे हो तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री होके गलत हो जाए आंसर, इसलिए वहां पे मॉड लगा लो, दुर्घटना नहीं होगी। बच्चों ये नोट कर लो, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बड़े आराम से, अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। आज कम से कम सर अभी दो एक्सरसाइज तो निपट जाएंगे। अरे खत्म हो गया चैप्टर भैया, कहाँ दो ही तो है चैप्टर, दो एक्सरसाइज चैप्टर, हाँ दो एक्सरसाइज है, खत्म दो ही है, ठीक ना? तीसरा है अपना वो क्वाड्रेटिक की मिसलेनियस एक्सरसाइज, 5 मिनट का चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक का। यस सर। कॉम्प्लेक्स खत्म मतलब क्वाड्रेटिक, उतना एनसीईआरटी में कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों जी, लिख लिया इतना, हम आगे बढ़े। यस सर। चलो जी बच्चों, आइए हम आपके सामने चार कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं। बच्चों लिखो Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, Z3 इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा एंड Z4 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों? यस सर। इन सब का हमको क्या निकालना है, इन सब का हमको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड। लिखो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट। अब ये तुम दो बच्चे रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर चुके हो प्रकृति प्रियांशी, बहुत गलत बात है। क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो भैया, भाग गए क्या? नो सर। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, बंद हो गया समझ में आना? यस सर। प्रकृति कहाँ हो, माइक ओपन करो। गई प्रकृति खाना खाने। चलो प्रियांशी अब तुम रिप्लाई करना। देखो देखिए, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, Z3 इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा, ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब चारों में से आपसे सवाल आएगा कि इनके चारों के मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्ट वो निकालो एम्पलीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड के लिए देखो सबसे पहले इसके ऑर्डर्ड पेयर बना ले बेटा। ऑर्डर्ड पेयर से ये पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है। इसका रियल पार्ट क्या है, 1। इमेजिनरी पार्ट भी कितना है, 1। इसका रियल पार्ट क्या है, -1। इमेजिनरी पार्ट +1। इसका रियल पार्ट क्या है, -1। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1। इसका रियल पार्ट क्या है, +1। और इमेजिनरी पार्ट -1। समझ में आया? -1। मतलब बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकेंड में है,
ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड में है, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फोर्थ में है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल है। चलिए अब यदि इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ तो बेहद सामान्य काम है। जेड वन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यार वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आएगा अंडर रूट टू। अगले वाले में भी स्क्वायर करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही हो जाएगा ना? यस सर। माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये भी आपको रूट टू दे देगा। नेक्स्ट में भी रूट टू दे देगा और नेक्स्ट में भी रूट टू दे देगा, तो सब रूट टू आ जाएंगे। मतलब चारों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन होने क्या वाला है दरअसल बच्चों, क्वेश्चन होने वाला है वन कॉमा वन, मतलब लेंथ भी वन हाइट भी वन, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे माइनस वन कॉमा वन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे माइनस वन कॉमा माइनस वन, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे वन कॉमा माइनस वन। हमने चारों की डिस्टेंस तो पता लगा ली कि ये भी रूट टू पे है, ये भी रूट टू पे है, ये भी रूट टू पे है, और ये भी रूट टू पे है। अब हमें चारों के पता लगाने हैं आर्गुमेंट कि क्या कितना एंगल पे है। तो याद कीजिए, देखिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले आप निकाला करो अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। बोलो जी हाँ या ना? हाँ सर। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए अपने पास जो है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए जो अपने पास वाई भी वन है एक्स भी वन है, सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन वन। तो कितना हो गया बेटा? टेन इनवर्स वन। अब प्रियांशी समझो ध्यान से, ये क्या है टेन इनवर्स वन? टेन इनवर्स वन कहता है कि टेन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है? टेन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है बेटा? 45 डिग्री, मतलब पाई बाई फोर। तो आंसर कितना आएगा अपने पास? यहाँ पे क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हुआ करता था? अल्फा, अल्फा, और अल्फा कितना आ रहा है यहाँ पे? पाई बाई फोर। पाई बाई फोर। प्रिया जी समझ में नहीं आया क्या? यस सर। ओके, तो फर्स्ट वाला आंसर कितना आएगा? पाई बाई फोर। चलिए सेकंड वाले में मैंने आपको बताया था, याद करिए सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर होता था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस अल्फा, सॉरी पाई माइनस अल्फा। फॉर्मूला देख लो बच्चों, लिखा है ना पाई माइनस अल्फा? यस सर। कहीं लिखा है तो था अभी पाई माइनस अल्फा, यस लिखा, ये लिखा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता था वो बनता था पाई माइनस अल्फा, ये देख लो ये। यस, तो पाई माइनस पाई बाई फोर, फोर पाई माइनस पाई बाई फोर, बोलो कितना हो गया? थ्री पाई बाई फोर। ठीक है? यस सर। यस सर। अब आप इसका भी अलग से ये निकालोगे ना अल्फा, तो यही आएगा, निकाल के देख लो। कहोगे सर आपने तो पुराने वाले का निकाल दिया, नए वाले का क्यों नहीं निकाला? निकाल के देख लो। तो भैया नए वाले का निकालोगे अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वही टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो मॉड लगा है तो मॉड तो प्लस ही कर देगा। अक्षत मॉड लगा हुआ है ना, तो वो तो प्लस ही कर देगा। यस सर। चलिए अगला, थर्ड क्वाड्रेंट में जो क्वेश्चन है उसका क्या होता है बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर, माइनस पाई प्लस अल्फा, यानी कि माइनस पाई अल्फा यहाँ पे कितना है? पाई बाई फोर है, तो माइनस फोर पाई प्लस पाई बाई फोर, मतलब माइनस थ्री पाई बाई फोर। और लास्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है माइनस अल्फा, माइनस अल्फा मतलब माइनस पाई बाई फोर। ये हो गया चारों आंसर। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब लिखें बच्चों पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। अभी तक जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी तक जिस फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कौन सा फॉर्म था बेटा? ये था कार्टेशियन फॉर्म। इसमें आपको ये जानकारी होगी कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको लंबाई में x चलना है और ऊंचाई में y चलना है,
बोलो मेरे बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। ये था कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, अभी तक जो आपको पता था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। बट अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपको एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं पेश करना है, अब आपको यही कॉम्प्लेक्स नंबर इसी जगह पर स्टेशन के यहीं पर आप जहां पे खड़े हो अपनी पोजीशन आपको दो अलग अलग चीजों के टर्म्स बतानी है, एक ओरिजिन से कितनी दूरी पर हो और कितने एंगल पर हो। जी हाँ, तो ये जो फॉर्म कहलाता है, तो पहले यहां पे जो आपका जेड दिख रहा था वो था क्या, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब जेड एक्स और वाई की फॉर्म में दे रहे थे। बट अब आप जो है अपनी पोजीशन जेड को आप इन दो चीजों के फॉर्म में बताओगे, एक कितनी डिस्टेंस में हो मतलब मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, और दूसरा एम्पलीट्यूड यानी कि एंगल। तो ये फॉर्म क्या होता है बच्चों, जेड इक्वल टू लिख लो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, ये कहलाता है पोलर फॉर्म। तो यहां पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई, एक्स और वाई कौन से कोऑर्डिनेट कहलाते हैं अक्षत, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन, और आर और थीटा कौन से कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। तो जानकारी, इसकी जरूरत क्या पड़ी, जानकारी वही है, तरीका बदल गया, जैसे अक्षत तुम्हें मुझे अपने घर बुलाना है तो तुम कहोगे सर एक काम करना सर 5 किलोमीटर राइट चलना, उसके बाद सर लेफ्ट ले, राइट ले लेना सर एक बार और लेफ्ट ले लेना 2 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मैं वहीं पहुंचूंगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। दूसरा तरीका सर आप ओरिजिन पे खड़े हो ना, वहां से सर 45 डिग्री एंगल पर जो है सीधे सर चलना शुरू कर दो सर 5 किलोमीटर, सीधे मेरे घर आ जाओगे, बोलो यस सर। मंजिल एक ही है मगर तरीके अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल। तो पहला वाला कार्टेशियन डिस्प्लेसमेंट वाला, हाँ हाँ बस वही, तो ये पोलर फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना? यस सर। अब देखो जैसे तुम देख लो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा था, हाँ सर, उसमें हमने मॉड जेड यानी कि आर, मॉड जेड को ही आर बोलते हैं, मॉड जेड को ही क्या बोलते हैं, आर, आर। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करें, मैं सबको पढ़ा रहा हूं भैया। यस सर। मॉड जेड इक्वल्स टू आर, मॉड जेड की वैल्यू आर होती है, तो यहां पर मॉड जेड की वैल्यू आर याद टू आई थी, याद है? यस सर। एंड एंगल कितना निकला था? यस सर। एंगल निकला था पाई बाई 4, चलो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। अब जरा रख करके देखो कि क्या वापस मतलब वाकई में क्या हम 1 प्लस आई पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू आर, आर मतलब रूट टू, कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री, प्लस आई साइन 45 डिग्री, चलो पुट कर दो रूट टू, कॉस 45 मतलब होता अक्षत 1/√2, बोलो हाँ, 1/√2 प्लस आई साइन का मतलब 1/√2, 1/√2 रूट टू ब्रैकेट में एलसीएम आएगा रूट टू और यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 प्लस आयोटा। तो कार्टेशियन से भी रास्ते से चले तो भी वहीं पर पहुंचे और पोलर से भी पहुंचे तो वहीं पर पहुंचे, आया ना? यस आ गया। टास्क क्या है कि कार्टेशियन को पोलर में कैसे बदला जाए, तो उसके बदलने के लिए ये फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ठीक है ना? बेसिस से डिस्टेंस निकालें तो अगर थीटा दिया हो तो ये पोलर फॉर्म यूज कर लो और कार्टेशियन दिए तो फिर वो यूज कर लो। हाँ जी, अंडरस्कोर बाजी में, अंडररूट बाजी में, चल ठीक है ना? यस सर। तो अब हम देखिए हम यहाँ पे कार्टेशियन पोलर फॉर्म सब देते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा पोलर फॉर्म, जेड इक्वल टू आर, आर की जगह रूट टू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, अब इसको सॉल्व मत कर देना क्योंकि पोलर फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म में दिखाना है, अब सॉल्व कर दोगे तो फिर से वैसे ही छोड़ना है और क्या, नहीं तो वहीं पर पहुंच जाओगे सॉल्व करके कार्टेशियन में। ओके सर। चलो नेक्स्ट इसका पोलर फॉर्म देखो क्या होगा, जेड इक्वल टू आर मतलब रूट टू, रूट टू कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, है ना? यस सर। चलिए यस सर। इसका देखिए क्या होगा,
जेड इक्वल टू रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर, ठीक है? यस सर, यस सर। इसका जेड इक्वल टू रूट टू कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस पाई बाई फोर, ठीक है? बिल्कुल सर। देखिए सभी में केवल केवल और केवल जो है एंगल का फर्क है, बाकी मॉडल सबका सेम है। यस सर, एंगल मॉडल सबके रूट टू है, ठीक ना? यस। प्रकृति आई वापस? नहीं आई अभी, चलो नहीं आई, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? तो इस तरीके no, से sir. ये आपका हो गया, आर्गुमेंट पूरा हो गया, पोलर फॉर्म भी पूरा हो गया। अब लास्ट बचता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत थोड़ा सा है। अपने सिलेबस वाली बात चल रही है, एनसीईआरटी वाले सिलेबस की बात चल रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड कोविड में शायद वो भी नहीं आना है, ठीक है ना? तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, जितना अपने सिलेबस में है, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट बच्चों। तो अब टॉपिक चलेगा, पोलर फॉर्म समझ में आ गया ना सभी को अच्छे से बच्चों? कर लोगे ना? यस सर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बचा हुआ है पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक का पार्ट क्या है। इसमें हमको लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे, डी ग्रेटर देन जीरो वाले क्वेश्चन या डी इक्वल टू जीरो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और हम कहते थे डी लेस देन जीरो में कहते थे नो रियल रूट्स, याद आया? नो रियल रूट्स। अब हम नहीं कहेंगे नो रियल रूट्स, अब हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या बोलेंगे जी? कॉम्प्लेक्स रूट्स। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वेश्चन आया सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये लो जी ये आ गया सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। घबराने की बात नहीं है, वही अपना मेथड लगाइए, ए की पहचान वन, बी की पहचान वन, सी की पहचान वन। तो x इक्वल टू माइनस का b मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। बोलो बेटा क्लियर है? क्लियर सर। सो x इक्वल टू हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस का 4 अपॉन टू। एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, यहां पिछले साल देखते ही छोड़ देते थे माइनस थ्री, हरे राम क्या हो गया, माइनस तो होता ही नहीं कुछ, बट अब नहीं छोड़ेंगे, अपॉन टू। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस, माइनस थ्री को लिखेंगे एक बार माइनस वन रूट थ्री आई, और ये लिख देंगे माइनस थ्री, क्योंकि माइनस रूट थ्री में दो चीजें मिली हैं, एक माइनस वन है और एक थ्री है, तो माइनस वन को कर दिया अपॉन टू, और माइनस वन क्या बन जाएगा आयोटा। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू। तो दो रूट निकल करके यहां से आ रहे हैं, एक निकलेगा अल्फा जो कि माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, एंड दूसरा बीटा माइनस वन प्लस सॉरी माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। समझ में आया? यस सर। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशन। तो आपकी बुक में पांच क्वेश्चन दिए गए हैं, पांच क्वेश्चन में आपको यही करना है। यस सर। अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। तो अल्फा no, अल्फा बीटा आपको निकालते हैं। अक्षत केवल आपकी जानकारी के लिए मैं इसको बता रहा हूं अभी यहाँ पे, केवल आप इस चीज को नोट करेंगे। यस सर। आगे पता चलेगा बेटा, इसको बोलते हैं ओमेगा और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना? अब ये क्यों बोलते हैं ये मैं फिर बताऊंगा बाद में आपको, जब मैं आपको जेई का लेक्चर दिलाऊंगा। तो ये ओमेगा कहलाता है और ये ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, ठीक है ना? जी सर। चलिए तो अब जो है भैया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी बुक में जितना है पूरा हो गया है। आपको आपकी बुक से पूरी एक्सरसाइज करके कल मैं सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा
कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से डाउट है। तो कल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट्स करा लेने हैं मुझसे, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक जो आपका चैप्टर बुक में है एनसीईआरटी का, वो मुझसे पहले डिस्कस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अपन मोशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है अक्षत, ठीक है। तो सभी लोग थक गए। जो अलग से कह रहे थे, हाँ बोलो, जो आप अलग से कह रहे थे डाउट के, वो जेई वाले लेवल वाले डाउट के, वो कब लगानी है सर? आप मेरे को सबसे पहले भेज दो वो क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा, वो क्वेश्चन सबसे पहले आप मेरे को भेज दो, ठीक है? एक बार मैं उनको देख लेता हूँ, उसके बाद मैं टाइम दे करके आपको लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, फिर एंड करें क्लास को भैया जी सर। ठीक है, गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट बच्चों।